हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत और आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने यहां पर नावी मोबाइल एप्लीकेशन से यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और किसी भी रीजन की वजह से अगर आप म्यूचुअल फंड को कैंसिल करना चाहते हैं या फिर जो भी आपको NAV अलॉट की गई है उसको आप यहाँ पर सेल करके रुपए को विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप यहाँ पर SIP कैंसिल करेंगे, किस तरीके से जो आपके NAV है उसको सेल करेंगे और किस तरीके से आप रुपए विड्रॉल करेंगे अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो एक कंप्लीट प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि अगर आपने यहाँ पर नावी मोबाइल एप्लीकेशन में SIP करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको SIP करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो नावी मोबाइल एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। सबसे नीचे आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड का और फिर दूसरा डिजिटल गोल्ड का। तो आपको म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है ये म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब यहां पर डिटेल पर क्लिक करेंगे, डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपने जहां पर भी इन्वेस्ट किया होगा वो आपको दिख जाएगा। SIP पर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं कि यहां पर SIP मैंने यहां पर किया हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। ठीक है, डेली का यहां पर 51 रुपीज का किया हुआ था। अब मैं इसको करना चाहता हूं कैंसिल, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करेंगे दोस्तों तो सबसे नीचे यहां पर आपको मॉडिफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप SIP को एडिट करना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर आप यहां पर डेली की जगह वीकली करना चाहते हैं या मंथली करना चाहते हैं या अमाउंट को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, या आपको ऑटो पे है उसको आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो थर्ड ऑप्शन मिल जाता है डिलीट दिस SIP, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब ये दिया हुआ है व्हाई आर यू डिलीटिंग दिस SIP। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और डिलीट SIP पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये दिया हुआ डिलीट SIP, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ रहा है कि यू डोंट हैव एनी SIP। ठीक है, तो हमारा जो SIP है अब वो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर पोर्टफोलियो पर जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट, यहाँ पर हमारा जो फंड है जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको हमारे पास जो करंट NAV है वो 14.33 का है और यूनिट कितना है 15.72 यूनिट है। अब यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सेल का ऑप्शन, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ को ऑप्शंस मिल जाता है अमाउंट का या यूनिट का कि आप कितना यूनिट सेल करना चाहते हैं या कितना अमाउंट रुपए विड्रॉल करना चाहते हैं। अगर आप नीचे दिया हुआ है सेल ऑल, यहाँ पर मैं क्लिक कर देंगे तो जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है सेटलमेंट टाइम, तो ये दिया हुआ है 1 वर्किंग डेज, मतलब कि हमारा 1 वर्किंग डेज में हमारा जो रुपये है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देता हूँ। ये लिख क्या रहा है कि डू यू वॉन्ट टू सेल, तो ये मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो ये मैंने फिल कर दिया। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिख के आ रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का ऑर्डर इन प्रोग्रेस, हम लोगों ने सेल लगाया हुआ है तो ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है 9 मई को 3:05 पे, और ऑर्डर प्रोसेसिंग आपका यहाँ पर दिखा रहा है 11 मई 2024 को 5 AM तक। ठीक है, अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आप 13 मई, ये इतना टाइम दिखा रहा है, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कब तक हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नावी मोबाइल एप्लीकेशन से यहाँ पर मैंने निकाला हुआ था 274.49। ठीक है, और ये 13 मई को यहाँ पर प्रोसेस होने वाला था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 मई को मुझे रिसीव भी हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 मई को मुझे यहाँ पर 274.49 रुपीज़ यहाँ पर रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लगभग यहाँ पर 2 वर्किंग डेज लगता है और आपके बैंक अकाउंट में रुपए आ जाता है। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं और बैंक अकाउंट में रुपए को विड्रॉल कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।